आप लोग कहते हो ना कि कोनी आपको सिलाई आती है, आपके घर में सबके लिए कितना बढ़िया है, आप लोगों के लिए एक सिलाई मास्टर का सामान ऐसे फैला होता है। देखिए आज सफाई अभियान चला रही थी, अब इतनी सारी चीज़ें ये आपस में उलझी हुई है, अब इनको सुलझाना अपने आप में टास्क है, अब यही मैं करूँगी। हाँ जी, हेलो, हाय, नमस्कार मेरे दोस्तों, कैसे हैं आप? तो मैं हूँ कोनी पाठक और स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल में। मम्मी बहुत गंदी है, सुबह सुबह आलू के पराठे खिला देती है और फिर पूरे दिन हम मुर्गी की तरह झूमते हैं। हालांकि मैं आज काम किया है तो सुकून है ज़िंदगी में कि कुछ तो किया है, बाकी मम्मी का एक ये पिछौड़ा था, ये पिछौड़ा दिख रहा है जो आपको, ये फैब्रिक बहुत अच्छा है, दद्दू का जने हुआ था आज से 15-16 साल पहले, इनफैक्ट उससे ज़्यादा शायद, तब मैं कितने पढ़ती थी, 7th 8th में पढ़ती थी, तब मैं 10 साल की थी, मुझे याद है, तब मैं 10 साल की थी, तो गाड़ी जा रही है 1 मिनट, तो मैं तब 10 साल की थी, तब दद्दू का जने हुआ था, जने यानी उपनयन संस्कार जो कि हर लड़के का होता है हर घर में हिंदू धर्म में, और तो उस टाइम पे दद्दू मम्मी के लिए पिछौड़ा लेके आए थे, उस टाइम पे ऐसे ही चलता था ना, तो अभी पुराना हो गया, हालांकि मम्मी के पास बहुत सारे पिछौड़े हैं, बट होते हैं ना कि कोनी पाठक की माँ है तो ऐसा सेटिस्फेक्शन नहीं रहता इनको भी कपड़ों में, इनका कपड़े नहीं है, तो इसमें अब हमने सोचा है कि ये जो इसके लिए से ही निकाल के नई लगाने की, ताकि ये नया हो जाए, और कपड़ा बड़ा प्यारा है, आजकल तो ऐसे पिछौड़े आते भी नहीं है ना मम्मा, पतले से आते हैं, तो ये करने का प्लान है, फिलहाल मम्मी जी इनको उधेड़ रही हैं, तो उसके बाद हम इसको बनाएंगे, कोनी पाठक बनाएगी। हालांकि मम्मी ने मुझे बहुत सारा काम बोला है, जो कि मैं तो खुद को डिजाइनर समझती थी, मम्मी टेलर वाला काम करवा रही हैं, पर कोई बात नहीं, माँ तो माँ है ना, माँ के भक्त तो करना पड़ेगा। देख रही है ऐसे ऐसे देख रही है हमको ऐसे मम्मी। चलिए फिर देखते हैं आगे आगे होता है क्या, हालांकि आधा दिन गुजर चुका है, 4 बजने को होगा अब तो। जैसे कि आई टोल्ड यू कि ब्रेकफास्ट बहुत हैवी हो गया था तो लंच नहीं किया, भूख नहीं है फिर भी ज़बरदस्ती खिलाने में लगी है, पता नहीं कुछ बना के लाई, क्या बना के लाई दिखाती हूँ, क्या है भाई ये? नमकीन, पोहे की नमकीन बनाई मेरी माता जी ने, है पोहे की नमकीन, आई डोंट लाइक वेरी मच पोहा, बट ठीक है, थैंक यू, थोड़ा सा खाऊंगा, मुझे ना पसंद ज़्यादा। मम्मी अपने दोस्तों के साथ यहाँ पे बैठी है और गपशप लगा रही है, मैं पी रही हूँ ग्रीन टी शाम की, ओए होए 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 क्रिया। और एक चीज़ बताऊँ जो मैं आपसे शेयर करना चाहती हूँ, पीछे कपड़े इग्नोर करना, एक बहुत ज़रूरी बात मुझे आपको जो बतानी है, तो मैंने नई ड्रेस बनाई थी जो अभी रिसेंटली मैंने ब्लॉग डाला था, तो उस ड्रेस को धोया ऑब्वियस है कि क्योंकि बहुत लॉन्ग टाइम पे हम पहनेंगे तो उसको ऐसे नहीं रख सकते, धूल लग जाती है सिलते हुए काटते हुए, तो वो धुल के छत में डाली थी, और बंदरों का आतंक इतना है कि लिटरली कपड़े में नाखून घुसाया, दांत घुसाया, पता नहीं छेद कर दिया, वो भी ड्रेस के एग्जैक्ट यहाँ पे कुर्ते के, और पजामा फाड़ दिया। मुझे मतलब कुछ रिएक्ट करने को ही नहीं मन कर रहा, और उसके बाद दूसरी चीज़ ये है कि ये तो मैं कर लूँगी, चलो फिक्स कर लूँगी, कोई बात नहीं, फिर आप कहे कि टेलर अगर आप चीज़ है फिक्स नहीं कर सकते हैं ना, तो दूसरी बात यह है कि कल मतलब आज जब आप ये ब्लॉग देख रहे हो तब है मिठू का बर्थडे, 14th of July, मिठू का 3rd birthday है, शी इज टर्निंग, ओह माय गॉड, मतलब भरोसा ही नहीं हो रहा है कि 4 साल की मिठू, तो लास्ट ईयर तो हमने बर्थडे सेलिब्रेट किया था यहाँ पे, बट अभी वो नहीं है यहाँ पे, तो मुझे तो बहुत बुरा लग रहा है, तो समझ नहीं आ रहा क्या करूँ, और वैसे भी क्या ही कर सकते थे वहाँ, तो मैंने एक ड्रेस उसको गिफ्ट कर दिया, यहाँ से भिजवा दिया, बाकी जब तक मैं उसके लिए खुद कुछ अच्छा सा नहीं बनाऊँगी तो चैन नहीं पड़ेगा, उसके लिए बनाऊँगी अब कुछ जब वो आएगी, या उसके लिए भिजवा देंगे तो वो पहनेगी, ऐसा कुछ प्लान है। तो मम्मी ने धो लिया है, आजकल वैसे धो नहीं सकते हैं, पता नहीं बहुत पुराना है और फिर भी अच्छा है, कलर नहीं छूटा है, एक मिनट रुको, इसी बहाने दिख रहा है, मैं दिखा देती हूँ मम्मा,
कि पिछौड़े में क्या क्या होता है सब दिख रहा है, नॉर्मली दिखता नहीं। देखो स्वस्तिक बना होता है जो कि कंपलसरी होता है हर पिछौड़े में। नॉर्मली लोगों को पिछौड़ा मतलब लगता है कि वो रेड पोल का डॉट्स होते हैं येलो में, तो स्वस्तिक बना होता है, शंख होता है, वो सूरज और चंदा, ये सूरज हो गए, वो चंदा और घंटी बनी होती है, तो ये होता है पिछौड़े का मेन। और इसको जब पहनते हैं तो इसमें तो बीच में शिव जी भी बने हैं, सॉरी फॉर बैड बैकग्राउंड नॉइस, वो गाड़ी उस पर चली रिवर्स पे किसी की, तो ये शिव जी बने तो इसमें पता चल जाता है। बाकी मम्मी का फ़ोन आ गया, मुझे पता है किसका फ़ोन होगा, मना का, मना है ना देखा, मना का फ़ोन आ गया, बस हाँ मना गई अब चली जाएगी यहाँ से। तो इस पिछौड़ी में लगानी मुझे नई लेसेस, सुबह जो मैं आपको दिखाया ना उसमें से कुछ अच्छी सी लेके लगा दूंगी। और अगर मिट्टू घर में होती तो आज हमारी हालत ख़राब हुई थी बर्थडे सेलिब्रेशन की तैयारी में, और यहाँ हम ग्रीन टी वी रहे बैठे हो भी चुपचाप। हेलो गाइस, अंडे दे तो कह रही हूँ मुझसे कैसे अंडे तो अरे हर चीजें अंदर फ्रीज से ये ब्लॉग में मत डालना, बिजी जो जाएगी गोल बिजी थी दोनों की। खबर लेने आई ना तो क्या हुआ कि मेरे को डांट पड़ी कि नहीं पड़ी? नहीं बाय गॉड, ऐसे बैठने आई थी। आज मैंने ना काली 6 अंडे तोड़ दिए इसके सामने लाइव। मैं ऐसे बैठी थी, मेरे को ऐसे थप आ रही, मैं भी इसकी खुद ही तो चंदा हमारी आएगी, जो अभी क्लिप देखा इससे पहले आपने कि अंडे दे दो कह रही थी चंदा तो मैं इसको अंडे देने लगी फ्रिज से निकाल के, और जिस पॉलिथीन में मैंने अंडे रखे फट गया थैली बड़ाम लेकिन जितनी डांट मुझे पढ़नी चाहिए थी उतनी पढ़ी नहीं है ऑनेस्टली बताऊं तो। और जोर से बोलो ना ताकि ताऊ अंदर से आए। नहीं आप पापा ने तो कहाँ पे गिराया, मैंने कहा यहाँ पे गिराया पापा और ये हमारा आजकल वी टाइम हो रहा है चंदा और मेरा, शाम ढलने के बाद चंदा आ जाती है यहाँ पे और कहती है मैं आपसे मिलने के लिए आई हूँ, और आज तो ताला भी लगा दिया और मैं इतनी अच्छी हूँ, मैंने कल कोनीवा का बिना नील पिंट रिमूवर्स के इतना जुगाड़ो आइडिया से देखो ना यहाँ नील पिंट निकाला है, तो ऐसे दिखाऊंगी ना ऐसे हाथ मुड़ जाएगा देखो। और वो भी पता हम घूमने गए थे, अब घूमते घूमते इतनी मैं बोर हुई, जोर से बोल यहाँ बगल माँ से बात करने लगी दूसरी माँ से, अब मैं बोर हो गई, अब मैंने कहा क्या करूं, अपनी क्लिप निकाली, कोई बोलती मेरे रिमूवल आ देना, पैसे भी बचा लिए देखो मैंने, ऐसे ही लगते कही बात तब तक ख़त्म हुई, तब तक ये भी ख़त्म हुआ, बस कंप्लीट हो गया था, और कुनिबा का एक बात के साथ साथ ये काम भी कंप्लीट हो गया। देखो तो चंदा के साथ रहना ना काफ़ी किफ़ायती भी है, फ़ायदेमंद है, क्योंकि ये ना बड़े सही काम करती है, बड़ी काम की है चंदा, जब आप आओगे ना तो आपसे बहुत काम करा सकते हो। नहीं बहुत ही, और चश्मा के पैसे मम्मी के वेस्ट करने के लिए बनाया है? नहीं अरे नहीं, आज मैं सोई थी ना तो उसके बाद मुझे अभी लत्तू आई, तो लत्तू ने मुझे उठाया, हम मार्केट गए क्या कहते हैं फोटो कॉपी करानी थी, घर आई तो उसके बाद मैं ऐसी बैठी थी, ऐसी बैठी अब क्या करती, अब मुझे डर लग रहा है अपना चश्मा पहनने के लिए, अब हम पहला है, अब चश्मा तो ऐसा हिल गई ना डाल वक्त। अच्छा मतलब अगर आपकी आंखें ख़राब हो और आपको चश्मा लगा दिया जाए तो क्योंकि चश्मा टूटने का डर है इसलिए पहनना मत, ले लेना क्योंकि आपने चश्मा बना दिया तो आंखें अपने आप सही हो ही जाएंगे मतलब पढ़ाई करने टाइम के लिए वैसे घूमूंगे तो कहाँ, बट तेरा काफ़ी ज़्यादा है इसलिए तुझे पहनना चाहिए रेगुलर, वरना बढ़ता जाता है, पता है तुझे वैसे भी बढ़ता जाता है बट अगर पहनेगी नहीं तो ज़्यादा स्पीड में बढ़ेगा। अच्छा अब पहनना पड़ेगा, फिर इसकी आँखों का तिल जो इसकी खूबसूरती है वो कौन देख पाएगा ना, दिखा चंदा ये देखो आँखों के, आँखों में भी तिल होता है लोगों की, मैं कितनी लकी हूँ देखो कि कोनी पाठ के बगल में बैठे हूँ मैं इतनी लकी हूँ कि मेरे आँख में तिल है ये है, और कोनी माँ के बगल में भी बैठी हूँ। कोनी माँ का जल्दी से सब्सक्राइबर बढ़ा कर मिलियन में पहुँचा दो, मिलियन में पहुँचा दो, पिछले 3 साल से 20,000 नहीं पहुँचे, मिलियन में पहुँचा दो यार, पहुँचा दो यार भाई लोगों बहन लोगों जो भी हो प्लीज पहुँचा दो। और उसके बाद अब हम एक दिन ट्रिप बना रहे हैं घूमने जाना, हाँ आपको अभी बताएंगे नहीं बिकॉज ये सरप्राइज है, हाँ और आपके लिए एक और सरप्राइज है कुछ दिनों में आपको पता चलेगा, और तेरे लिए भी सरप्राइज है वो जो इनके लिए सरप्राइज है तो और बाकी ऐसा है कि
इसका स्कूल खुल गया है ना, हम कहीं कहीं जाते घूमने। और दूसरी बात है कि अब जैसे परसों वो था ना एकादशी थी, तो उसके बाद से मैंने बताया था कि पूजा पाठ और मतलब ऐसे बड़े बड़े शुभ काम, शादी ब्याह ऐसा होना बंद हो गया, तो कहीं कुछ हो ही नहीं रहा, निमंत्रण ही नहीं आ रहे। अब सिर्फ सावन लग जाएगा। एक्चुअल मैं 14 तारीख कल से तो उत्तराखंड में नहीं, यूपी बिहार इस साइड में सावन लग जाएगा। हमारे यहाँ लगता है 15 दिन बाद अपना सावन लगेगा लेट में, मतलब सावन जो है शुक्ल पक्ष से शुरू होता है और बाकी जगह कृष्ण पक्ष से शुरू होता है, तो कल वहां से हो जाएगा। अब ये पूछोगे आप शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष क्या होता है। शुक्ल पक्ष होता है कि आज पूर्णिमा है जैसे ना, तो पूर्णिमा का अगला दिन क्या होगा, आज पूर्णिमा है, भाभी का फास्ट भी होगा, बल्कि मेरे पैसे होंगे उनके पास देने, तो चंदा मामा पूर्णिमा के दिन सबसे बड़े होते हैं, फुल मून डे। ओके, तो कल से छोटे 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 होते जाएंगे, तो पूर्णिमा के जस्ट अगला दिन जो होता है तब से कृष्ण पक्ष जो है शुरू हो जाता है, और उसके बाद जब अमावस्या आती है उसके अगले दिन जो होता है वो शुक्ल पक्ष शुरू हो जाता है। तो ये थोड़ी पेचीदा चीजें हैं, मुझे इसमें इंटरेस्ट है तो शायद मैं बेटर समझ सकती हूँ। चंदा फुल्ली कंफ्यूज दिख रही है, शायद आप भी कंफ्यूज होंगे अगर आपको, लेकिन हमें पता होना चाहिए हमारे चीजों के बारे में, कब क्या शुरू हो रहा है, महीने क्या है, क्या है, ऐसा पता होना चाहिए। हालांकि बेचारी फुल्ली कंफ्यूज लग रही है। क्या समझ आया? क्या हो बदल? और सबसे पहले पैसे वाला, तो भाभी के पास मेरे पैसे होंगे, देखो ना कितने बोल। तो भाभी को गए कितने महीने हो गए? 5 महीने हो गया होगा, 4-5 महीने, 4-5 नहीं यार, 3-4 जितने भी महीने हुए हैं, तो 3-4 महीने में पूर्णिमा आई, 3-4, और 3-4 महीने से भाभी ने मेरी दक्षिणा नहीं दी है। भाभी अगर आप सुन रहे हो तो दक्षिणा दे देना प्लीज यार, पैसे की कमी हो रही है। हाँ 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 नहीं, मम्मी ने कहा है कि पूजा कर रही हो, तब तक दूध उबल रहा है उसको देखना है, बट चंदा बाहर वेट करिए, तो जब तक दूध उबलता है चंदा को मिठाई दे देती हूँ ताकि उसका टाइम कटे, बाकी यहाँ टीवी चल रहा है। कोई बात नहीं, बड़ी तैयारी माँ। ये माँ ने तुलसी को दिया जला दिया, अंधेरा है, सॉरी लाइट बहुत अच्छी नहीं है। हर शाम तुलसी को दिया देते ना, चंदा की मम्मी ने भी दिया होगा, अभी देगी ना। परमेश्वर भगवान, अभी भाभी होती तो यहाँ पे पूजा हो रही होती। तो जी बात है ऐसी कि आज का ब्लॉग कुछ ज़्यादा हुआ नहीं, वो तो चंदा आ गई, वरना मैं कल अपलोड भी नहीं करने वाली थी। तो जी इस ब्लॉग को यहीं पे एंड करते हैं और आपसे मिलते हैं अपने नेक्स्ट ब्लॉग में। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सुरक्षित रहिए, और सबसे ज़रूरी बात है कि मुस्कुराते रहिए, क्योंकि आपकी मुस्कुराहट बहुत जी, मैं कभी कंधी आ रही हूँ फिर चला। एक तरह से मैं कह रही हूँ कि आपकी मुस्कुराहट बहुत प्यारी और एक छिझी है बहुत। चलो दोबारा से एंडिंग फिर से। हाँ चलो करो, तू करेगी ना। मैंने क्या क्या बोलते फिर एंडिंग करने टाइम। हाँ तो अब तो कुछ जो मन कर रहा है तू बोल, मैंने तो बोल दिया जो बोलना था मैंने। ठीक है फिर क्या बोलते हैं एंडिंग में। ओके गाइस, आप लोग को ये वीडियो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में जरूर बताना, और लाइक कमेंट एंड शेयर प्लीज एंड सब्सक्राइब ऑल्सो। ओके बाय, अपना ध्यान रखना, और अपने मतलब कल से एंडिंग ऐसे करनी है। ओके गाइस, अब हम चलते हैं, मतलब इस ऐसे एक्सटेंड करना है ना, ठीक है कल से ऐसे करेंगे। कल से गोनी पाठक एक अलग तरीके से, एक अलग रंग, एक अलग रूप दिखा देगा आपको गोनी पाठक का। कल मिलते हैं। ओके गाइस।